फेसबुक को 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 852 डेज का टाइम लगा, ट्विटर को 10 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 780 डेज का टाइम लगा, बट इंस्टाग्राम ने 10 मिलियन यूजर्स को एक्वायर कर लिया सिर्फ 355 दिनों में। बट थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम हैज एक्वायर्ड 10 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 7 आवर्स। अमेजिंग राइट? एंड इनफैक्ट सिर्फ 5 दिनों के अंदर थ्रेड्स ने 100 मिलियन यूजर्स एक्वायर भी कर लिए और अपने कॉम्पिटिशन को तो लेजिट जड़ से उखाड़ के खत्म ही कर दिया। नो कॉम्पिटिशन। पर वो कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। ऐसे कई सारे मुहावरे आपने सुने भी होंगे और आज की इस वीडियो में आपको इन मुहावरों का एक जीता जागता एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। वी ऑल नो मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया के ऊपर राज करता है। मोस्टली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स वो ऑलरेडी ओन करते थे एंड नाउ ही ओन्स द 4th वन ऑल्सो। एक्चुअली मार्क जुकरबर्ग ने अपने पूरे बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रखा है 2 बहुत क्लियर प्रिंसिपल्स के ऊपर। पहला प्रिंसिपल, बाय एंड किल योर कंपटीशन, एंड इफ यू कैन नॉट बाय देन सेकंड ऑप्शन, कॉपी एंड किल द कंपटीशन। 2004 में कनेक्ट यू को कॉपी करने से लेकर 2023 में ट्विटर को कॉपी करने तक की पूरी कहानी। टुडे यू आर गोना सी हाउ मार्क जुकरबर्ग इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिजिटल माफिया जो कि अपने अल्टीमेट ईविल बिजनेस टैक्टिक्स को यूज करके पूरे सोशल मीडिया को अपने दम पे कंट्रोल कर रहा है। आज के टाइम में मार्क जुकरबर्ग को तो सब जानते हैं, पर टाइलर विंकलवोस, कैमरॉन विंकलवोस और दिव्या नरेंद्र, क्या आपने इन तीनों लोगों का नाम कभी सुना है? अगर ये नाम सुनके आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि कौन है ये तीन लोग, तो जरा संभल के सुनिएगा, कहीं सच सुन के आपके भी होश ना उड़ जाए। ये तीन लोग वही हैं जिन्हें फेसबुक का आइडिया सबसे पहले आया था। यस, मार्क जुकरबर्ग इज नॉट द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक। क्या? मार्क जुकरबर्ग इज नॉट द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक। क्या? मार्क दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? कहानी की शुरुआत 2003 में होती है जब विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र को एक ऐसा आइडिया आया जो कि इंटरनेट को बदल के रख सकता था। आइडिया था एक ऐसे सोशल नेटवर्क साइट का जो कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स और उसके एल्यूमनाई को कनेक्ट करवा सके, लेकिन इसे कंप्लीट करने में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन तीनों में से किसी को भी कोड करना नहीं आता था। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें एक कोडर मिला जिसका नाम था विक्टर गाओ। उसने काम करना शुरू तो किया, पर एग्जाम्स आते ही विक्टर ने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। पर जाते जाते वो एक ऐसा नाम सजेस्ट करके गया जो कि हार्वर्ड के कैंपस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस था। ये नाम था मार्क जुकरबर्ग। हार्वर्ड के कैंपस में मार्क ऑलरेडी बहुत फेमस थे बिकॉज ऑफ हिज क्रेजी कोडिंग स्किल्स, और वो अजीब अजीब सी वेबसाइट्स कुछ ही दिनों में बना देते थे। फेस मैश ऐसी ही एक वेबसाइट थी जो लोगों की फोटोज को उनके लुक्स के बेसिस पे कंपेयर करती थी, बट सून इट वॉज बैंड क्योंकि इससे कैंपस में जेन्युइनली बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। पर मार्क के कोडिंग स्किल्स और उसके कंप्यूटर साइंस को लेके प्यार को देखते हुए harvardconnections.com के पूरे कोडिंग करने का काम विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र ने उसे ही दे दिया। शुरुआत में मार्क इस आइडिया पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी थे, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट का ये सूरज कब ढल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि मार्क के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हार्वर्ड कनेक्शंस के इस आइडिया से इंस्पायर होकर मार्क ने एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था जिसका नाम था फेसबुक। मार्क ने जानबूझ के हार्वर्ड कनेक्शंस, या फिर आप इसको कनेक्ट यू भी कह सकते हैं, इसका काम टालना शुरू कर दिया ताकि फेसबुक पहले आए और बेहतर साबित हो। और 3 महीने बाद एग्जैक्टली यही हुआ। इन सबको वेट करवाने के बाद 4 फरवरी 2004 के दिन फेसबुक को हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया गया था। विंकलवोस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र का आइडिया उनके ही सामने लाइव हो चुका था और पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहा था। इन द कमिंग ईयर्स फेसबुक बहुत पॉपुलर हो गया और देखते ही देखते आने वाले सालों में ये बन गया एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी जिसकी वैल्यूएशन आज 800 बिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 64 लाख करोड़ की है। अब जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, जिस इंसान ने अपने कंपनी की नींव ही चीटिंग और कॉपी पे रखी थी वो आगे कैसे ही रुक जाएगा। जैसे जैसे फेसबुक बड़ा होता चला गया, इसके कॉपी करने और चीट करने की कहानियां भी बढ़ती चली गई। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, रेडिट, ट्विच और ना जाने कौन कौन से सोशल मीडिया ऐप्स या तो इनके पास बिक गए या फिर इनके हाथों से खत्म कर दिए गए, और अगर दोनों नहीं कर पाए तो उन ऐप्स के मेजर फीचर्स को एज इट इज कॉपी करके लॉन्च कर दिए गए। आज ऐप स्टोर के 4 सोशल मीडिया ऐप्स जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं उन्हें मार्क जुकरबर्ग ओन करते हैं। इन ऐप्स पे कंबाइंड 4 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जिसमें आप और मैं हम दोनों आते हैं, और हर समय चाहे आपको पता हो या ना हो ये ऐप्स आपके मूवमेंट्स तक को ट्रैक करती हैं और सारा डेटा स्टोर करती है जिन्हें बाद में आपको एडवर्टीजमेंट दिखाने में यूज किया जाता है।
जरा खुद सोचिए, अगर आपके पास दुनिया में हर इंसान की इन्फॉर्मेशन हो कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या ना पसंद है, वो कितना कमाते हैं, कहाँ पैसे उड़ाते हैं, कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह का घर चाहिए, किस तरह की गाड़ी चाहिए, कैसे गाने पसंद है, किस तरह के कपड़े पसंद है, सब कुछ, तो क्या आपके लिए उनको मैनिपुलेट करना ईजी नहीं हो जाएगा? ऐसा ही कुछ मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा करती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से मिला सारा डेटा इन्हें इनेबल करता है ताकि ये आपको अच्छे से जान पाएं और आपको उसी तरह के एड्स दिखाएं जिसकी आपको सच में ज़रूरत हो या फिर आपको बहुत पसंद हो, जिसे देखने के बाद आप खुद को रोक ही ना पाओ और कुछ ही मिनटों में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि आप किसी चीज़ की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो किसी नई गाड़ी के मॉडल्स के बारे में और कुछ ही टाइम बाद किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आपको उसी गाड़ी की एड दिख जाती है? स्ट्रेंज, राइट? क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी एप्स आपकी बातें सुनते हैं? इन्हीं कंपनीज के बेनिफिट्स के लिए आपके कैमरे और माइक्रोफोन को भी एक्सेस किया जा रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया हो तो। एक अंग्रेजी कहावत है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। मेटा के केस में भी कुछ ऐसा ही है। मेटा का हर एक प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली हमारा डेटा चुरा रहा है और इन सारे एप्स को यूज करके हम भी हर एक मिनट उन्हें खुद से अपने सारे डेटा का एक्सेस दे रहे हैं। लेकिन करें भी तो क्या करें, आज हम इन ऐप्स पे इतने डिपेंडेंट हैं कि हम पूरी तरीके से इन्हें बॉयकॉट भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मार्केट में इनका कोई अल्टरनेटिव या कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है। आज मेटा सोशल मीडिया को पूरी तरह से डोमिनेट करती है क्योंकि मेटा का कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ही नहीं जो उसके बराबर खड़े होकर उसके स्पेस को रेगुलेट कर सके। और अगर कोई स्पेस को रेगुलेट करने की कोशिश करता भी है तो मार्क अपने ईविल बिजनेस टैक्टिक से इन्हें बर्बाद कर देता है। टुडे मार्क जुकरबर्ग इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर इन द सिलिकॉन वैली। जब भी सिलिकॉन वैली में कोई नया सोशल मीडिया ग्रो करने की कोशिश करता है, या तो मार्क जुकरबर्ग उसे खरीद लेता है या तो उसी सोशल मीडिया को कॉपी करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर देता है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों कंपनीज के साथ ऑलरेडी हो चुका है। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की पूरी कहानी बता चुका हूँ कि कैसे केविन सिस्ट्रोम ने इंस्टाग्राम की शुरुआत की, कैसे मार्क ने इंस्टाग्राम को बहुत ही प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करके हथिया लिया और फिर सही समय आने पे इंस्टाग्राम के असली मालिक को ही बेदखल कर दिया। वो वीडियो भी आप सबने बहुत पसंद किया था और सिर्फ एक महीने में ही उस वीडियो को 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके थे। पर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, देखना जरूर। आपको बिजनेस गेम के डार्क सीक्रेट समझ आ जाएंगे और ये भी समझ आ जाएगा कि बिजनेस में सच में कोई भी किसी का भी सगा नहीं होता। बेल्यूगा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑक्यूलस, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसे मेटा ने खरीदा था एक ऐसा ऑफर देके जो कि इनके फाउंडर्स रेजिस्ट कर ही नहीं सकते थे। और अगर रेजिस्ट करते भी तो इनकी हालत आज स्नैपचैट और ट्विटर की तरह ही होती। मार्क को क्लियरली पता था कि इंस्टाग्राम आगे जाके फेसबुक के लिए खतरा बन सकता है, तो इसलिए मार्क ने इंस्टाग्राम को ही खरीद लिया ताकि फेसबुक के पास टाइम हो नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। ऑन द अदर हैंड, जो फाउंडर्स मार्क के इस जेनरस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें सामना करना पड़ता है मार्क के कॉपी पेस्ट टेक्निक का। ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जो कि मार्क कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करता है अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने के लिए, जहां पे वो कॉम्पिटिटर जैसी एकदम सिमिलर सी ऐप बना के अपने इकोसिस्टम में डाल देते हैं। देखो, फेसबुक के पास हमेशा से ज्यादा क्राउड था, तो जब कभी भी उसके अंदर कोई ऐप लॉन्च होगी तो जाहिर सी बात है लोग एक इकोसिस्टम में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। और इसी तरह अंत हो जाता है दूसरे सोशल मीडिया कंपनीज का जो मार्क से जुड़ने से मना कर देते हैं। ऐसा एग्जैक्टली स्नैपचैट के साथ हुआ। जब मार्क ने इवन स्पीगल को स्नैपचैट खरीदने के लिए $3 बिलियन का ऑफर किया और जब इवन नहीं माने तो उन्हें 2012 में क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर पोक दिया गया। पोक ऐप हर मायने से बिल्कुल स्नैपचैट का कॉपी था। मार्क ने स्नैपचैट को बिजनेस से साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की और उस टाइम उसकी बदकिस्मती से पोक ऐप एक फेलियर साबित हुआ। पर आज के टाइम पे फाइनली हम देख ही सकते हैं कि कैसे स्नैपचैट का शुरू किया हुआ स्टोरी फीचर और उसके साथ साथ फिल्टर्स भी आज मार्क अपने तीनों प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन तीनों के ऊपर यूज करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग भी इन्हीं तीनों ऐप्स को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मार्क जुकरबर्ग के एक्शंस और पैटर्न्स को देखा जाए तो वो हमेशा से किसी कंपनी को टारगेट करने से पहले उसे खरीदने के लिए ऑफर जरूर देते हैं। तो क्या उन्होंने ट्विटर को भी ऑफर दिया था? Yes. जब 2008 में ट्विटर पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, मार्क ने तभी ट्विटर को खरीदना चाहा। ट्विटर के फाउंडर बिल स्टोन अपनी बुक में बताते हैं कि कैसे फेसबुक ने ट्विटर को खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऑफर रखा था। वो आगे बताते हैं कि ये नंबर था तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा बड़ा,
पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हो पाई और ट्विटर ने फाइनली इस ऑफर को मना कर दिया 3 मेजर रीजंस की वजह से, जो कि बाद में उन्होंने अपने पोस्ट पे पब्लिश भी किया था। मैं उस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप चाहे तो उसे जाके पढ़ भी सकते हैं। इस ना से ऑब्वियसली मार्क खुश नहीं थे और फिर उन्होंने अपनी वही कॉपी पेस्ट टेक्निक को अपनाई, ट्विटर के काफी सारे फीचर्स जैसे कि हैशटैग्स, वेरीफाइड अकाउंट्स, वाइंस, फॉलोअर्स, सब कुछ मार्क ने कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन मार्क का आखिरी ब्लो तो अभी तक बाकी ही था, जो कि अब आया है थ्रेड्स के रूप में। थ्रेड्स ऐप मेटा के अम्ब्रेला के अंदर लॉन्च किया ट्विटर का राइवल ऐप है, जिसका प्राइमरी फोकस है शॉर्ट टेक्स्ट स्निपेट्स शेयर करना। जुकरबर्ग अपने थ्रेड्स पोस्ट में कहते हैं कि थ्रेड्स ऐप एक ऑप्शनल फ्रेंडली ऐप है जहां पे आप पब्लिकली कन्वर्सेशन कैरी आउट कर सकते हो, वो टेक्स्ट के अराउंड एक न्यू एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। थ्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टेक्स्ट के अलावा फोटोज और वीडियोज भी शेयर कर सकते हो। अभी फिलहाल ये ऐप 100 कंट्रीज में अवेलेबल है और इनका प्लान है कि आगे इसे एक्सपैंड करें। लेकिन क्या जुकरबर्ग ने इसे ट्विटर से पूरा ही कॉपी कर दिया या कुछ चीजें अपनी तरफ से भी एड ऑन की हैं? चलिए देखते हैं। और उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फॉर अ क्विक फेवर, इफ दिस वीडियो हैज बीन ऑफ वैल्यू टू यू एंड यू हैव रियली एंजॉयड द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू डिडंट लाइक इट, यू कैन ऑल्सो हिट द डिसलाइक बटन। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियोज बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट करने में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी होती है आपके सपोर्ट को देखते हुए, कितना अच्छा फील होता है। तो कमेंट करके मार्क जुकरबर्ग और उसके बिजनेस करने के तरीके को लेकर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, और मार्क का नाम सुनते ही पहली क्या चीज आपके दिमाग में आती है कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पाए और हम एक दूसरे से काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के इंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली है, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न ऑन। आई होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड। Now, let's get back to the topic of Instagram threads. ट्विटर जहां पहले एज अ वेबसाइट लॉन्च हुआ था, फिर फोन में अडॉप्ट किया गया, वहीं थ्रेड्स इंस्टाग्राम के पाथवे पे चल रहा है। थ्रेड्स की शुरुआत ही ऐप से हुई और शायद ही ऐसा होगा कि थ्रेड्स की वेबसाइट आएगी। इनकेस आई भी तो वो इंस्टाग्राम के जैसे ही बहुत लेट आएगी, जहां पे शायद सारे फीचर्स अवेलेबल भी नहीं होंगे। दूसरा, अकाउंट सिंक, जहां ब्लूबर्ड ट्विटर इंडिपेंडेंट है और किसी ऐप से बंधी हुई नहीं है, वहीं थ्रेड्स ऐप इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है। इसमें लोगों को लॉग इन करने में ईज तो है, लेकिन एक बात लोगों ने बहुत देर से समझी और वो ये है कि अभी करंट अपडेट्स के हिसाब से लोग बिना इंस्टाग्राम डिलीट किए थ्रेड्स डिलीट नहीं कर पाएंगे। ट्विटर जहां आज सिर्फ 280 कैरेक्टर्स देता है, थ्रेड्स ने अपनी कैरेक्टर लिमिट की शुरुआत ही 500 कैरेक्टर से करी है। एक और बात जिस पे लोगों का मिक्स्ड ओपिनियन आ रहा है और वो ये है कि थ्रेड्स ऐप पे प्राइवेट मैसेजिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, साथ ही साथ थ्रेड्स में हैशटैग्स काम नहीं करते। ओवरऑल थ्रेड्स ऐप आते ही काफी अच्छा कर रही है, जहां पे ट्विटर पे आज हर दूसरे पोस्ट के बाद एड शो करते हैं, थ्रेड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट बाहर निकाला है कि जब तक थ्रेड्स पे 1 बिलियन रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएंगे, तब तक एड्स नहीं चलाए जाएंगे। इन सब रीजंस के कारण थ्रेड्स आज तक का डाउनलोड किया जाने वाला सबसे फास्टेस्ट एप्लीकेशन है। इसी सक्सेस को देखने के बाद स्पेकुलेट किया जा रहा है कि थ्रेड्स ऐप जल्द ही मेटा की सक्सेस का राज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में ट्विटर के साथ बीफ में भी इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होने वाला है। जैसे ही थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया गया, ट्विटर ने मेटा को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थ्रेटन किया कि वो इस चीज के खिलाफ मेटा के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी। एलेक्स स्पायरो, जो कि ट्विटर के ओनर इलॉन मस्क के पर्सनल लॉयर है, उन्होंने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक लेटर भेजा, ये एक्यूज करते हुए कि मेटा ने ट्विटर के एम्प्लॉइज को पोच किया है और ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज करके ये कॉपीकैट एप्लीकेशन बनाया है। अब ये कितना सही है और कितना नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंटरनेट पे इन दोनों बिलियनियर्स के वॉर के लिए भी लोग बड़े इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ लीगल वॉर की बात नहीं कर रहा, लीगल वॉर तो इन दोनों के लिए एक छोटी सी बात है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से रिच और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एक के पास दम है सोशल मीडिया मैनिपुलेट करने की और दूसरे को पूरी दुनिया फॉलो करती है बिकॉज ऑफ हिज पब्लिक पर्सनैलिटी। जिस वॉर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो इन दोनों के बीच डिसाइड हुई थी केज फाइटिंग की। June 21st को जब इलॉन मस्क को थ्रेड्स के लॉन्च का पता चला, तो उन्होंने ट्विटर पे मार्क को एक केज फाइट के लिए चैलेंज करा, जिसे मार्क ने अपने अंदाज में एक्सेप्ट भी कर लिया। और इन सारे लीगल केसेस, ये सारे ड्रामों के बीच दोनों बिलियनर्स खुद को ट्रेन कर रहे हैं इस फाइट के लिए, जो कि लास वेगस में होने वाला है। सीरियसली यार, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? एक तरफ ये दोनों $1 बिलियन लीगल केस लड़ने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये केज फाइटिंग कर रहे हैं। शायद हम जिस इशू को इतना सीरियसली ले रहे हैं ना, वो उतना सीरियस है ही नहीं।
और ये सब ये दोनों बिलियनियर्स अपना टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, लाइमलाइट में रहने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए कैसे कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को चैलेंज करा था अपना डिक साइज मेजर करने के लिए। ये सारी चीजें देखने के बाद मेरा सजेशन तो आप लोगों के लिए ये होगा कि आप इन दोनों के बीफ में ज्यादा इंटरेस्ट ना ही लो तो ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज इन्हें अपनी लाइफ में जितना कमाना था, जितना सक्सेसफुल होना था, जितनी चीजें अचीव करनी थी इन्होंने कर लिया, और जो भी ये अभी कर रहे हैं ये बस फन के लिए कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ हैपनिंग रहे। इनके पास अब अचीव करने को ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपके पास अचीव करने के लिए भी बहुत कुछ है, और यही टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही होता है, ताकि आप लोगों की सो कॉल्ड बढ़िया लाइफस्टाइल को देखें, उनकी बातें करें, उनसे इंस्पायर हो और इसी लूप में उलझे रहो। आप जितना टाइम इन ऐप्स पे स्पेंड करोगे ये उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। मई 2023 में यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने एक एडवाइजरी भी रिलीज की थी जिसमें दिखाया गया था कि टीनेजर्स के दिमाग पे बढ़ते सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। ये स्टडी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया के यूज से टीनेजर्स के लाइफ पे बहुत ही ज्यादा गंदा असर पड़ रहा है, किस तरह से लोग फोमो फील करते हैं दूसरे की फेक लाइफस्टाइल को देख के, और कैसे धीरे धीरे हमें ये एडिक्ट बनाता चला जा रहा है। People. And I'm concerned that social media is an important driver of that youth mental health crisis. With every new content piece, आपको कोई ना कोई product, opinion या propaganda बेचा जा रहा है, और बदले में आपका time और attention खरीदा जा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप कंटेंट देखना ही छोड़ दें इस दौर में, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज जिसका ध्यान आप रख सकते हैं वो ये है कि आप अवेयर हो जाओ कि आप देख क्या रहे हो, बिकॉज व्हाट यू कंज्यूम शेप्स योर फ्यूचर। वेट, बिफोर यू लीव आई जस्ट हैव समथिंग टू शेयर। वॉट आर सम डार्क सीक्रेट्स अबाउट मनी जो हमेशा गरीब और मिडिल क्लास से छुपाए जाते हैं? स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी हमें नहीं सिखाता, पर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, विराट कोहली सबकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? राइट वाली वीडियो देखोगे ना समझ जाओगे।